नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज। मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। 118 साल पहले काशी विश्वनाथ मंदिर से कनाडा गई मां अन्नपूर्णा देवी की दुर्लभ प्रतिमा की शोभा यात्रा गुरुवार देर रात हाथरस पहुंची। इस दौरान हनुमान चौक पे मां अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा का भव्य स्वागत किया गया और आरती भी की गई। सन 1903 में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति वाराणसी से चोरी हो गई थी और कई हाथों से होते हुए कनाडा पहुंच गई थी, लेकिन अब 118 साल के बाद उत्तर प्रदेश के काशी में मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा को 5 दिवसीय भव्य शोभा यात्रा के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर ले जाया जा रहा है। इस शोभा यात्रा के देर रात हाथरस पहुँचने पर प्रशासन के साथ भाजपा कार्यकर्ता और जनता ने भी उनका भव्य स्वागत किया और अभिनंदन भी किया। 118 साल के बाद कनाडा से भारत आई मां अन्नपूर्णा की दुर्लभ प्रतिमा को फिर से काशी मंदिर में स्थापित किया जाएगा। प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से मां अन्नपूर्णा की दुर्लभ प्रतिमा उत्तर प्रदेश को फिर से प्राप्त हो पाई है। जो हमारी आस्था के केंद्र हैं, उन तमाम आस्था के केंद्रों को संजो करके रखने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लगभग 108 वर्ष पूर्व काशी की धरती से मां अन्नपूर्णा देवी की जो प्रतिमा चोरी हुई थी वो पहुंची कनाडा, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत और विशेष प्रयास करते हुए उस बहुत ही प्राचीनतम मूर्ति को वहाँ से वापस मंगाया है। और आज दिल्ली में भारत सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रियों की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश सरकार को उस मूर्ति को सौंपा है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 दिन की पुनर्स्थापना यात्रा दिल्ली से चलकर के आज अभी थोड़ी ही देर में अलीगढ़ पहुँच रही है। आज का जो रात का विश्राम होगा वो सोरो में होगा। 15 नवंबर को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं अपनी उपस्थिति में बाबा के दरबार में, बाबा भोलेनाथ के प्रांगण में इस मूर्ति का पुनर्स्थापन होगा। और मैं कह सकता हूँ कि माँ की कृपा हम सब पर बनी रहे, और हम सब जानते हैं अन्नपूर्णा माँ की एक ही कल्पना रहती है, कोई भूखा ना रहे, कोई भूखा ना सोए। तो पूरे देश में वैसे भी नरेंद्र मोदी जी पर विशेष आशीर्वाद मां अन्नपूर्णा का है, और उसी का परिणाम है कि देश में 80 करोड़ लोगों को लगातार मुफ्त राशन की योजना नरेंद्र मोदी जी ने चलाई। उत्तर प्रदेश में 18 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की योजना यहां के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने चला रखी है। अभी उसको और बढ़ा करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसका समय होली तक कर दिया है। और इस प्रकार की संवेदनशीलता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अंदर है। मैं करोड़ों भारतीयों की ओर से, और मैं कह सकता हूँ पूरे देशवासियों की ओर से, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक एक मान बिंदु का इस देश के ख्याल करते हैं। पूरी दुनिया में उन्होंने भारत का परचम लहराया है, इसीलिए आज वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेता भी हैं।